सियासी मैदान से बड़ी खबर से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बड़ा ऐलान कर दिया गया। हुक्मरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पहले होमवर्क करेंगे फिर अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत की हलीफ जमातों के बगैर कैसे अदम एतमाद ला सकते हैं। इत्तेहादी जमातें आवाम पर रहम करें और हुकूमत से अलग हो जाएं। ये भी बता दिया कि सिंध के सिवा जहाँ मुमकिन हुआ अदम एतमाद ला सकते हैं। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के फैसले पर अब भी कायम है। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, जहां भी ला सकेंगे, वफाक से लेकर सूबों तक। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राबते करेंगे। अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें। हम एक वफ भी तश्कील दे रहे हैं जो हलीफ जमातों से राबता करेंगी। वोट भी तो मुकम्मल करना है। पहले हम कुछ जो पेश की इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। इंडिविजुअल से हम राबता नहीं करेंगे, PTI के अरकान से हम राबता नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम कितना है? 2 महीने 3 महीने 6 महीने? थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए। बगैर तैयारी के बगैर ग्राउंड बनाए हुए ऐसी बात कहना फिर यही होगा कि जी आपने कल बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। 23 मार्च का फैसला बरकरार।